आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बंगाली स्पंजी रसगुल्ले। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉली कुकिंग विद डॉली में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक लीटर दूध लिया है, इसको गैस पे चढ़ा दिया है, इसको हम एक उबाल देंगे। ये देखिए उबाल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। एक दो मिनट के लिए हम इसे ठंडा करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर दो टेबलस्पून विनेगर दिया है, इसमें हम दो टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। आप चाहे तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। नींबू का रस भी हम दो टेबलस्पून ही लेंगे और उसमें भी दो टेबलस्पून ही पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा छेना तैयार होगा। इसको हमने हल्के हाथ से ही मिलाना है। जितना हम हल्के हाथ से मिलाएंगे उतना हमारा छेना सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहें और इसको हल्के हाथ से मिलाते रहें। ये देखिए पानी अलग हो गया है, छेना हमारा बनके तैयार है। इतना हमारा विनेगर बच गया है। अब हम एक खाली पतीला लेंगे, उसके ऊपर छलनी रखेंगे और उस पे हम कोई साफ कपड़ा या चुन्नी कॉटन की वो रख देंगे और छेना को छानेंगे। इसके ऊपर हम नॉर्मल टैप का पानी वो डालेंगे ताकि जो विनेगर का टेस्ट है वो निकल जाए छेने में से। इसको ठंडे पानी से दो तीन बार अच्छी तरह से धो लें। अब हम इसको थोड़ा सा निचोड़ लेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसको इस तरह से घुमाते हुए हमने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है, इस तरह से। आप इसको किसी टैब के ऊपर भी लटका सकते हैं या आप इसे किसी छलनी के ऊपर कोई भारी चीज रखकर वैसे भी रख सकते हैं। हम इसको टैब के ऊपर 15 मिनट के लिए लटका देंगे और इस पानी को आप फेंकिएगा मत। इसको हम आटा गूंदने या सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए छेना हमारा ड्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम छेना को निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा छेना अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए इसमें, ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो काफ़ी हार्ड बनेंगे। अब हम इसको हाथों से मसलते हुए स्मूथ कर लेंगे। पहले हम इसमें एक चम्मच मैदा ऐड करेंगे। मैदा डालने से जो हमारे रसगुल्ले हैं वो फटेंगे नहीं। अब इसको इस तरह पाम की मदद से मसलते हुए इस तरह स्मूथ करेंगे। अगर हमारा छेना स्मूथ नहीं होगा तो जो हम रसगुल्ले बनाएंगे वो चाशनी में जाते ही फट जाएंगे। इसलिए जितना हमारा छेना स्मूथ होगा उतने ही हमारे रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। ये देखिए छेना हमारा स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें छोटे छोटे पार्ट लेकर इसके रसगुल्ले बनाएंगे। अब हमने इसमें से छोटा पीस लिया है और इसका हम रसगुल्ला बनाएंगे। आप ये ध्यान रखिए कि जितना हम पीस लेंगे उससे ये रसगुल्ले डबल हो जाएंगे जब ये चाशनी में जाएंगे। ये देखिए एक रसगुल्ला हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा रसगुल्ला बना है, इसमें कोई भी क्रैक नहीं है, बहुत ही स्मूथ रसगुल्ला बनके तैयार हुआ है। ये देखिए
एक रसगुल्ला मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हमने ज़्यादा दबाव नहीं देना है, हल्के हाथ से ही इसको गोल गोल कर देना है। ये देखिए इस तरह से अब हम उंगलियों की सहायता से इसको राउंड कर देंगे। ये देखिए रसगुल्ले दो हमारे बन गए हैं। इसी तरह से हम सभी रसगुल्ले तैयार कर लेंगे। इतने छाने से हम 12 से 13 रसगुल्ले बना पाएंगे। यहाँ हमने 1 कप चीनी ली है, इसको डाल देंगे और इसमें हम 5 कप पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसमें एक बॉयल आने देना है। इसमें अब हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं। इसको हम लिड लगाकर अच्छा बॉयल आने देंगे। ये देखिए बॉयल आ गया है। अब हम इसमें एक एक करके रसगुल्ले ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से बबल्स आने चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके रसगुल्ले ऐड करेंगे। एक साथ आप रसगुल्ले मत डालिए, एक एक करके डालिए। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो इसमें रसगुल्ले फटने का डर होता है, इसलिए एक एक करके ही इसमें रसगुल्ले ऐड कीजिए। 5 मिनट तक हम इन्हें खुला ही पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे लिड लगाकर 10 मिनट तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए रसगुल्लों का साइज डबल हो गया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक और पकाएंगे और हम इसको बीच बीच में से हिलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखिए रसगुल्ले हमारे पक गए हैं। अब ये कैसे पता लगे कि ये पक गए हैं, तो इसके लिए हम इसे एक रसगुल्ला उठाएंगे और उसको नॉर्मल जो टैब का पानी होता है उसमें डाल के देखेंगे। अगर तो रसगुल्ला नीचे बैठ जाता है तो यानी कि हमारा रसगुल्ला पूरी तरह से पक गया है। अगर वो ऊपर तैरने लगता है तो उसे हम और पकाएंगे। तो ये रसगुल्ले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको जब तक ये ठंडे नहीं होते इसी में ही पड़े रहने देंगे। ये देखिए इनका साइज डबल हो गया है। रसगुल्ले हमारे ठंडे हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे हमारे स्पॉन्जी रसगुल्ले बने हैं, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। ये देखिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा जालीदार हमारे रसगुल्ले बने हैं। और जब हम इसको चाशनी में दोबारा डिप करेंगे तो ये फिर से चाशनी अब्सॉर्ब कर लेंगे। ये देखिए जैसे ही हम इसको निचोड़ते हैं ये तभी अपने ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं। बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बनके हमारे तैयार हुए हैं। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप इन रसगुल्लों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रसगुल्ले कैसे लगे।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।